उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया, जिसके विषय में चर्चा करने के लिए पूर्व विधायक चंदा रानी गौर ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2018 में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी द्वारा 8/11/18 में जो नाम निर्देशन पत्र भरा था, उसमें उनके द्वारा फार्म में सहभागी पार्टनरशिप सरकार के साथ लिखित में उल्लेख करने जमा किया था, जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर खरगापुर के द्वारा उक्त नाम निर्देशन पत्र को निरस्त नहीं किया गया था और दिनांक 9/11/2018 को दूसरा नाम निर्देशन पत्र जमा कराया, जिसमें फार्म में अलग होना बताया और RS कंस्ट्रक्शन के सहभागी नहीं होने का लिखित में उल्लेख किया गया, जो नियम के विरुद्ध था और रिटर्निंग ऑफिसर खरगापुर द्वारा इसे अनदेखा किया गया और प्रथम दिनांक 8/11/2018 का नाम निर्देशन पत्र स्वीकार कर लिया, जो नियम के विरुद्ध है। इसी विषय को लेकर उच्च न्यायालय जबलपुर की शरण में रिट पिटीशन चुनाव याचिका के माध्यम से की गई और न्यायालय यह ऐतिहासिक फैसला सुनाकर खरगापुर विधानसभा के निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया है। टिकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। भागीदारी है और जो इसमें 9 तारीख को फार्म भरा उसमें इसने बोल दिया कि भागीदारी नहीं है, और छुपाए गए, इसलिए मैं जबलपुर गई। जबलपुर में अभी इतिहास का गाय थी, कल इनका फैसला आया है और बड़ा फैसला उनको खाने में लगा। देखिए 2018 के विधानसभा चुनाव में खरगापुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी राहुल लोधी, उन्होंने 8/11/2018 में नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया, जिसमें उन्होंने बताया कि वो RS कंस्ट्रक्शन कंपनी का भाग लगा। 9 तारीख को उन्होंने दोबारा एक फॉर्म भरा, जिसमें उन्होंने बताया कि वो RS कंस्ट्रक्शन भाग लगाने से बाहर हुए, क्योंकि उनका जब स्कूटी हुई स्कूटी में निर्वाचन जो अधिकारी थी उन्होंने 8 तारीख वाला जितने जो भागीदार थे वो निर्वाचन मान्य किया और नियमों के तहत निर्वाचन मान्य होना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो कंस्ट्रक्शन कंपनी पार्टनर हो विधानसभा के बाद नहीं वो उन्होंने मान्य किया और उसके खिलाफ हम हाईकोर्ट गए थे, जिसमें 7/12/2022 को यानी कि कल माननीय हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि राहुल गांधी का निर्वाचन मान्य। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।